नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस पेड़ के नीचे है 10 करोड़ का धन, परंतु आपको कैसे मिलेगा जानने के लिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में सारे दुखों का अंत होने वाले हैं। अब आप सभी के जीवन काल में खुशियों की बारिश होने वाली है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई समयों से आपके जीवन काल में लगातार दुख, समस्याएं और परेशानियां ही चल रही थी। कभी भी उम्मीद की नई किरण आप सभी के जीवन काल पर नहीं जगी और दोस्तों आप अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप यह बात तो जानते ही हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जी दोस्तों, भगवान व्यक्ति की मदद अवश्य करते हैं, भले ही वो अपना रूप न आए, लेकिन दोस्तों रूप बदल कर किसी संकेत के द्वारा उनके ऐसे मदद करते हैं, उनके जीवन काल में ऐसे चमत्कार करते हैं कि दोस्तों उनका जीवन ही बदल जाता है। जी दोस्तों, और अब आप सभी के भी जीवन काल में जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, जो ग्रहों में गोचर होने वाले हैं, आपको बहुत ही बड़ा धन देने वाले ग्रह है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि एक ऐसे पेड़ हैं जिनके पास 10 करोड़ों का भी धन है। अगर आप इनकी पहचान कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए यह आपके पूरा जीवन को ही बदल सकता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बात बताएंगे कि यह पेड़ कौन सा पेड़ है, किस जगह पर है और इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, कैसे यह पेशा आपको प्राप्त हो सकता है, यह धन कैसे आपको मिल सकता है। सभी जानकारियाँ पूरी तरह ग्रह गोचर पर निर्मित है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको आप अपने जीवन काल में कौन सी विशेष सावधानियां रखनी है ताकि दोस्तों फिर से यह समय आपके जीवन काल में दोबारा ना आए। ये दोस्तों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जिससे दोस्तों मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और धन की कमी आपके जीवन काल पर कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा भी मिस ना करें, नहीं तो दोस्तों आप इस धन से वंचित रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय मां लक्ष्मी। दोस्तों मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले कि केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें। जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है, लेकिन जब उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। जी दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको सच्चा लगा हो, इन पर यकीन हुआ तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि अब आप सभी के जीवन काल में या पेशों का पेड़ आपको कहाँ पर मिलेगा, कैसे या 10 करोड़ों का धन आप सभी को मिलेगा, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर जो होगा, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरें आपको देने वाले हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपको अब अपने जीवन काल में कौन कौन सी विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे विशेष जानकारी हम आप सभी को बता दें कि इस धन को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए यह धन आपको मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में आप गलती कर देंगे और यह धन आपके हाथ से वंचित हो जाएगा। तो दोस्तों वह बातें आपको हम बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा। दोस्तों जहाँ पर धन की बात आती है, दोस्तों वह होती है माँ लक्ष्मी का आवास। माँ लक्ष्मी का आवास वही होता है जहाँ पर सुख शांति होता है, जहाँ पर सुख सुविधाएँ होती है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जिसके घर में सुख सुविधाएं होती है, यकीन मानिए उनके घर में मां लक्ष्मी का वास अवश्य होता है,
तभी तो वहाँ पर माँ सुख सुविधाएँ होती है, तभी तो उनके घर में खुशियाँ जगमगाती है। जी दोस्तों, अगर आपके घर में खुशियाँ नहीं है, अगर आपके घर में परेशानियाँ चल रही है, तो दोस्तों आपको इस बात को सबसे पहले मानना होगा कि आपके घर से कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी अवश्य रुष्ट हो गई है, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का नज़र नहीं है। जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने जीवनकाल में क्या करना है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न के लिए करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के कुछ उपायों को करना चाहिए। जी दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तभी दोस्तों आपको यह धन या पैसा मिलेगा। इसको बनाते दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ये जो पैसा है, ये जो धन है, ये आपके लिए ही है, लेकिन दोस्तों इन्हें प्राप्त करने के लिए भी माँ लक्ष्मी आपको कुछ संकेत देने वाले हैं। जी दोस्तों, ऐसे ही आपको यह धन नहीं मिल सकता। तो दोस्तों कौन से संकेत मिलने वाले हैं, आगे इस वीडियो में बात करेंगे। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि माँ लक्ष्मी हमेशा अपने भक्तों के जीवन काल में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, कुछ ऐसे संकेत देते हैं कि उनके जीवन काल में पूरी तरह बदलाव हो जाते हैं। जी दोस्तों, कई बार तो माँ लक्ष्मी का ऐसा चमत्कार हुआ है कि देखते ही देखते कई लोगों का दिन बदल गए हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। जी दोस्तों, और अब आपके भी जीवन काल में ऐसे ही परिस्थिति का निर्माण स्वयं माँ लक्ष्मी करने वाले हैं। जी दोस्तों, और यह पेड़ के नीचे जो पेशा है आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि माँ लक्ष्मी के कुछ संकेतों को आप समझें। जी दोस्तों, अगर आपके शाम के समय आपके घर में हल्ला गुल्ला होता हो, या फिर आपके आसपास में हल्ला गुल्ला होता हो, जो कि आप पूजा के स्थान पर कहीं पर बैठते हो और वह हल्ला गुल्ला अगर आपको सुनाई देता हो, तो दोस्तों वह पूजा आपका सफल नहीं होगा, वह कार्य आपका सफल नहीं होगा, माँ लक्ष्मी इनसे प्रसन्न संतुष्ट नहीं होगी। तो दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में करना क्या है कि जब भी आप अपने घर में पूजा करें, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करें, तो दोस्तों ऐसे स्थान पर करें जहाँ पर किसी के लड़ाई के, झगड़े के, या फिर ऐसे हल्ला जो तानाशाही के हो, वह आपके कानों में नहीं आना चाहिए, और आपका मन, आपका आत्मा स्वयं माँ लक्ष्मी के पास समर्पित रहना चाहिए। ये दोस्तों इनसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न तो होंगी, साथ ही आपके भाग्य को भी चमत्का देंगी। ये दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों का विशेष ध्यान आपको अपने जीवन काल पर रखने हैं, तभी दोस्तों ये धन आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये दोस्तों, वैसे तो दोस्तों माँ लक्ष्मी शिव भक्तों की श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है कि अपने साफ सफाई और अपने घर की स्वच्छता पर आप ध्यान दें। साफ सुथरे स्थानों पर ही माँ लक्ष्मी का वास होता है, तभी दोस्तों आपके घर में भी पेशों की बढ़ोतरी होगी, तभी आपके घर में बरकत होना भी प्रारंभ हो जाएगा। जी दोस्तों, अगर आप अपने जीवनकाल में इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखते थे, तो दोस्तों आज से ही रखना प्रारंभ कर दें। दोस्तों यकीन मानिए, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर पर अवश्य होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों इसके उपरांत बात करते हैं कि कैसे यह पेड़ के नीचे का धन आपको मिलेगा, या पेड़ कहाँ पर है, कैसे आप पहचान सकते हैं, कौन सा व्यक्ति आपको इस जगह ले जा सकता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आप शिव को बता दें कि आपके घर के पश्चिमी और उत्तरी कोण में जो भी पेड़ आपको दिखाई दे, दोस्तों यकीन मानिए वह पेड़ आपके किस्मत के ताले को खोलने वाले पेड़ साबित होंगे। जे दोस्तों, अगर इस कोण में आपके कहीं नीम का पेड़ दिख जाए, तो दोस्तों वह तो माँ लक्ष्मी का सबसे बड़ा घर है। जे दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन को ही बदल देगा। लेकिन दोस्तों आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन से पेड़ के नीचे यह धन है, कैसे आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, आखिर आपको इसमें कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, सभी जानकारियों को दोस्तों जान लें, तभी यह चीज आपके ऊपर काम करेगा। जी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि अपने मन को साफ कर लें, अपने हृदय को साफ कर लें, और सच्चे मन से सुबह उठकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप करें। जी दोस्तों, जब तक आपका मन पूरी तरह से पवित्र ना हो जाए, दोस्तों माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें, गायत्री मंत्रों का जाप दोस्तों करते रहें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आपके घर में गंगा जल है, तो दोस्तों उन्हें लेकर सुबह उठकर अपने आप को पवित्र कर दोस्तों उठ जाए, और अपने घर के उत्तरी और पश्चिमी कोण के सामने जो भी आपको पेड़ दिखाई दे, जो दोस्तों जो भी पेड़ दिखाई दे उसके सामने आपको चले जाना है। जो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपको जाते समय देख न पाए,
दोस्तों यश में आप प्रातः काल के समय में जा सकते हैं, 3 से 5 बजे के बीच में आप सुबह के समय में जा सकते हैं जो कि अमृत बेला का समय है। दोस्तों यश में माँ लक्ष्मी की दिव्य शक्तियां दौड़ती है जो कि आपके जीवन काल में आपको उन पेशों की ओर आकर्षित करेगा। ये दोस्तों ध्यान सुनेगा कि 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का जो समय होगा माँ लक्ष्मी के अमृत बेला का मुहूर्त बेला का समय होगा जो कि दोस्तों धन की ओर आपको खींचता चला जाएगा। तो दोस्तों आपके घर से पश्चिमी और उत्तरी कोण में जो भी पेड़ दिखाई दे दोस्तों उनके सामने आपको जाना है। और दोस्तों जाते ही आपको अपने हाथों में थोड़ा सा सिंदूर लेना है और एक फूल लेकर जाना है। ये दोस्तों और जाते ही उस पेड़ के नीचे आपको एक हाथ का गड्ढा कर देना है। ये दोस्तों और ध्यान रखिएगा कि एक हाथ का गड्ढा करने के बाद उस पर एक लोटा पानी रख दें। ये दोस्तों एक लोटा पानी रखने के बाद उसमें एक फूल और यह सिंदूर डाल दें। और दोस्तों वहां से आप तुरंत चुपचाप घर चले आए पैर को पीछे करके, क्यों दोस्तों और मुड़ने के बाद दोस्तों आपको दोबारा पेड़ की तरफ देखना नहीं है। ये दोस्तों और घर चले आना है और दोस्तों अगली सुबह आपको जाकर देखना है कि वह फूल और सिंदूर उस गड्ढे में है। तो दोस्तों यकीन मानिए उस पेड़ के नीचे आपको यह करोड़ों का धन प्राप्त हो जाएगा। ये दोस्तों और एक बात ध्यान में रखें कि जब भी आप ऐसी क्रियाओं को करें कोई भी व्यक्ति वह उसे देख ना पाए। ये दोस्तों अगर कोई व्यक्ति देख ले, अगर कोई व्यक्ति आपको यह क्रिया करते समय टोक देगा तो दोस्तों आपका काम भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप उस पेड़ के नीचे जाए, जब भी आप ऐसे शुभ कार्यों को करने जा रहे हैं तो दोस्तों किसी को भी ना बोलें और ना ही कोई आपको टोक पाए। इसके लिए आपको अमृत बेला के समय में जाना है, 3 से 5 बजे के बीच में जाना है। ये दोस्तों यकीन मानिए जब आपको यह धन मिल जाए तो दोस्तों कभी भी आपने जीवन काल पे घमंड ना कीजिएगा कि दोस्तों अगर आपने इस पेशे को प्राप्त करके घमंड कर लिए तो दोस्तों फिर से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर से उठ जाएंगी और यह पेशों का खर्चा तो तुरंत हो जाएगा। क्यों दोस्तों माँ लक्ष्मी का आहार ही घमंड है। तो दोस्तों कभी भी घमंड ना करें और ना ही इस पेशे के बारे में किसी को बताएं। दोस्तों अपने जीवन काल की सभी सुख सुविधाओं को इन पेशों से आप प्राप्त कर लें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि समय समय पर माँ लक्ष्मी के स्थानों में भी आप कुछ पेशे दान पुण्य करें, माँ लक्ष्मी के ऊपर श्रद्धा विश्वास करें, घर में भी मंदिर बनवाएं। दोस्तों माँ लक्ष्मी के ऊपर अपने आप को समर्पित करें क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी ही है जो कि आपके जीवन को बदल सकती है, जो कि आपके भाग्य को चमका सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आप शुभ बता दें कि यह धन प्राप्त होने के बाद आपको कौन से विशेष बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको 3 कुंवारी लड़कियों को घर में बुलाकर उन्हें प्रेम से पेट भर खीर खिलाएं। इसके बाद उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर पैर छूकर उससे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन की प्राप्ति होती रहती है। आपको ऐसा लगातार 3 शुक्रवार तक करते रहना होगा। जी दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।